अध्याय 42 दुस्सह की संतानों से होने वाले विघ्न और उनकी शांति के क्या उपाय हो सकते हैं। मार्कंडेय जी ने कहा, दुस्सह की पत्नी निर्माष्ट्री हुई। वो कलिकी की कन्या थी। कलिकी की पत्नी ने गर्भधारण करते समय चांडाल के दर्शन कर लिए थे, उसी से इस कन्या का जन्म हुआ था। दुस्सह और निर्माष्ट्री की 16 संतानें हुई, जो सारे संसार में व्याप्त हैं। इनमें 8 बेटे और 8 बेटियां थीं। ये सब के सब बड़े भयंकर थे। दंताकृष्टि, तथोक्ति, परिव्रत, अंगध्रुक, शकुनी, गंड प्रांत रति, गर्भहा और सस्याहा, ये 8 बेटे थे। नियोजिका, विरोधिनी, स्वयंहारिका, ब्राह्मणी, ऋतुहारिका, स्मृतिहरा, बीजहरा और विद्वेषिणी, ये 8 बेटियां थीं जो सारे संसार को भय देती रहती हैं। अब मैं इनके कर्म और इनसे होने वाले दोषों की शांति के उपाय बतला देता हूं। पहले 8 बेटों के बारे में सुनो। दंताकृष्टि छोटे बच्चों के दांतों में स्थित होकर उनमें रगड़ पैदा कर देता है। इस तरह वह दुस्साह नामक अलक्ष्मी पुत्र को वहां बुलाना चाहता है। उसकी शांति के लिए सोए हुए बालक की शैया और दांतों पर सफेद सरसों छिड़क देनी चाहिए और सुवरचला यानी कि ब्राह्मी नामक औषधि से उसका स्नान करा देना चाहिए और उत्तम शास्त्रों का पाठ करने से भी ये दोष दूर हो सकता है। दुस्सह का दूसरा बेटा तथोक्ति जब आता है तब वो बारंबार बस यही हो ऐसा कहता हुआ मनुष्यों को शुभाशुभ में लगा देता है। यदि अकस्मात शुभाशुभ की प्रवृत्ति हो जाए तो उसे तथोक्ति की ही प्रेरणा समझनी चाहिए। यदि शुभ के बारे में कह दिया जाए या सुन लिया जाए तो विद्वान पुरुष उसे मंगलमय बताते हैं और यदि अशुभ का सुनना हो जाए या कहना हो जाए तो उसकी शांति के लिए भगवान विष्णु, चराचर गुरु ब्रह्मा और अपने अपने कुल देवता के नामों का कीर्तन कर लेना चाहिए। जो अन्य के गर्भ में दूसरे गर्भों को रखने और बदलने में प्रसन्नता का अनुभव करता है और कोई बात कहने के लिए हमेशा उत्सुक मनुष्य के मुख से किसी और बात को कहलवा देता है, वो दुस्सह का तीसरा पुत्र है परिवत्र। उसकी शांति के लिए पुरुष पीली सरसों छिड़के और रक्षोघ्न मंत्र का पाठ करें। अंगध्रुक नामक चौथा बेटा वायु के समान मनुष्यों के शरीर में प्रवेश करके फड़कने आदि जैसी शुभाशुभ फल की सूचनाएं देता है। उसकी शांति के लिए कुशों से शरीर को झाड़ें। दुस्सह का पांचवा बेटा शकुनी कौवे जैसा पक्षियों के या कुत्ते सियार जैसे पशुओं के शरीर में पैदा होकर अपनी बोली से अजीबो गरीब फल की सूचनाएं देता है। उसमें भी अशुभ सूचक शब्द होने पर कार्य आरंभ तुरंत बंद कर देना चाहिए और अगर शुभ सूचक हो तो कार्य तुरंत शुरू कर देना चाहिए, ऐसा प्रजापति का कथन है। हे द्विजश्रेष्ठ, गंड प्रांत रति नामक छठा बेटा गंड प्रांतों में आधे मुहूर्त तक रुककर सब तरह के कार्यों को नाश कर देता है और मांगलिक कर्मों और अनिंदनीयता का अपहरण कर लेता है। ब्राह्मणों के आशीर्वाद, देवताओं की स्तुति, मूल शांति, गोमूत्र और सरसों से मिले हुए जल से स्नान करके जन्मकालिक नक्षत्र और ग्रहों का पूजन, धर्ममय उपनिषदों के पाठ, शास्त्रों के दर्शन और गंडांत में पैदा हुए बालक की अवज्ञा, कुछ काल तक उसका मुंह न देखना, ये सब करने से उसके दोष की शांति होती है। सातवां बेटा गर्भहा बहुत भयानक है, जो स्त्रियों के गर्भ में प्रवेश करके गर्भस्थ पिंड को अपना ग्रास बना लेता है। हर रोज पवित्रता पूर्वक रहने से, कवच मंत्र पहनने से, लिखने से, उत्तम फूलों की माला धारण करने से, पवित्र ग्रह में रहने से और अधिक परिश्रम न करने से गर्भवती स्त्री को उसके भय से रक्षा हो सकती है। इसके बाद आठवां बेटा सस्याहा है। वो खेती की उपज को नष्ट कर देता है।
उसकी भी शांति करनी चाहिए। उसके लिए क्या उपाय हैं? खेत में पुराना जूता रख दो, अपसव्य होकर वहां जाओ, चांडाल का खेत में प्रवेश करा दो, खेत के बाहर पूजा चढ़ाना और चंद्रमा और जल के नामों का या मंत्रों का कीर्तन करना। अब दुस्सह की बेटियों के बारे में सुनो। पहली बेटी नियोजिका है। वो मनुष्य को पराई स्त्री और पराए धन के अपहरण में लगा देती है। पवित्र ग्रंथों, मंत्रों और स्तुतियों के पाठ से और क्रोध लाभ आदि दुर्गणों को छोड़ देने से ही उसकी शांति हो पाती है। विद्वान पुरुष को चाहिए कि नियोजिका मुझे इन दुष्कर्मों में लगा रही है, ऐसा विचार करके उसका विरोध करते हुए उन कामों को छोड़ दे। जब कोई अपने को गाली दे या मार बैठे तो भी यही सोचकर कि नियोजिका ने ही मुझे इस काम में बुराई में लगाया है, क्रोध ना करें। इस तरह विद्वान पुरुष सदा इस बात का स्मरण करता रहे कि नियोजिका ही मुझको और मेरे चित्त को गलत कामों में लगा रही है। दूसरी बेटी का नाम विरोधिनी है। वो परस्पर प्रेम रखने वाले स्त्री पुरुषों में, भाई बंधुओं में, मित्रों में, माता पिता में, पिता पुत्र में और सारे समाज में विरोध पैदा कर देती है। पूजा उपहार समर्पण करने से, कठोर बातों को सहने से और शास्त्रीय आचार विचार का पालन करने से उसके भय से अपनी रक्षा की जा सकती है। तीसरी बेटी का नाम स्वयं हारिका है। वो खलिहान से अनाज, घर और गौशाले से दूध घी और बढ़ने वाले सारे समाज से उसकी वृद्धि को नष्ट कर देती है और सदा गायब रहती है। इतना ही नहीं, रसोई घर से अधपका अन्न और अन्न भंडार से अनाज गायब कर देती है और परोसी हुई रसोई में भोजन करने वाले मनुष्य के साथ स्वयं भी भोजन कर लेती है। मनुष्यों के झूठे अन्न तक चुरा लेती है। जोते हुए खेत, घर और शाला से रिद्धि सिद्धि को हड़प लेती है। दही से घी, तिल से तेल, कुसुम्ब आदि का रंग और रुई से सूत तक हर लेती है। इस प्रकार स्वयं हारिका निरंतर अपहरण में लगी रहती है। उससे रक्षा के लिए अपने घर में मोर के जोड़े के पंख रखें, स्त्री की नकली मूर्ति बनाकर स्थापित करें, घर की दीवार पर रक्षा के मंत्र और वाक्य लिखें, घर के भीतर झूठन कभी न रहने दें, हवन की अग्नि से और देवताओं को धूप देने से जो भस्म हो उसे लेकर दूध आदि के बर्तन में लगा दें, जो एक स्थान पर निवास करने वाले पुरुष के मन में उद्वेग पैदा कर देती है वो ब्राह्मणी नामक दुस्साह की बेटी है। उसकी शांति के लिए आसन, शैया और उस भूमि पर जहां मनुष्य रहता हो पीली सरसों छिड़क दें, साथ ही एकाग्र चित्त होकर पृथ्वी सूक्त का जप करें। दुस्साह की पांचवी बेटी स्त्रियों के मासिक धर्म को नष्ट कर देती है, इसलिए उसे ऋतु हारिका कहते हैं। उसकी शांति के लिए स्त्री को तीर्थ में, देवालय के समीप, चैत्य वृक्ष के नीचे, पर्वत के शिखर पर और नदी के संगम और सरोवरों में स्नान करना चाहिए। साथ ही चिकित्सा शास्त्र के अच्छे वैद्य को बुलाकर उसकी दी हुई उत्तम औषधि लेनी चाहिए। छठी बेटी का नाम स्मृति हरा है। यह स्त्रियों की स्मरण शक्ति को गायब कर देती है। पवित्र और एकांत स्थान में रहने से उससे शांति मिल पाती है। सातवीं बेटी बीज हरा कहलाती है। ये बहुत भयानक है। ये परिवार में पुत्र या पुत्री को जन्म नहीं लेने देती। पवित्र अन्न के भोजन और नित्य स्नान करने से उसकी शांति हो पाती है। आठवीं बेटी विद्वेषणी है, जो सारे संसार को भय देती है। यह स्त्री या पुरुष को लोगों का दुश्मन बना देती है। उसकी शांति के लिए शहद, घी और शीर मिश्रित तिलों का हवन करना चाहिए या मित्र विंदा नामक यज्ञ करना चाहिए।